तो एनिमल के बाद बॉबी देओल फिर से नजर आ रहे हैं एज अ पावरफुल विलन, और कंगुवा का ट्रेलर आउट हो चुका है। मैं सच कहूँ तो मुझे लगा कि हिंदी में कंगुवा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 1 बजे की अनाउंसमेंट थी और उसमें सिर्फ मुझे तमिल में ही उसका ट्रेलर दिखाई दे रहा था। फिर मैंने कुछ लोगों की वीडियो देखी तो पता चला कि उस वीडियो के अंदर ही हम लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं। तो ट्रेलर है 2 मिनट 38 सेकंड का और मैंने जस्ट अभी अभी देखा है। सबसे पहले बात करते हैं बॉबी देओल के लुक की। भाई मैं कह रहा हूँ ना, एनिमल में वो गूंगे बने थे और अब उनकी आवाज़ में जो दम दिख रहा है वो एक अलग ही पावर क्रिएट कर रहा है। और जैसे कि उनको विलन का रोल दिया है, मुझे लगता है बॉबी देओल सिर्फ पावरफुल विलन ही बन पाएंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि उनकी छवि जो है वो चेंज हो चुकी है। अब लोग उन्हें एज अ विलन देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बात करूँ सूर्या की तो ओ माई गॉड क्या एक्शन है, मतलब पूरी मूवी एक्शन से मिलकर बनी हुई है। हालांकि स्टोरी इसमें थोड़ी कम दिखाई दे रही है और एक्शन ज़्यादा और पूरा का पूरा डार्क है। मतलब जो बाहुबली KGF के लवर्स हैं उनके लिए सौगात होने वाली है, और मुझे तो लगता है कि ये 1000 करोड़ भी पार कर सकती है अगर इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी हुई तो। और नो डाउट इसका VFX बहुत ही बेहतरीन है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसा, कुछ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसा डार्कनेस फील आ रहा है। और हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिटेलिंग पर फोकस किया गया है। 350 करोड़ की मूवी अगर 1000 करोड़ कमा ले तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि बॉबी देओल का जो इम्पैक्ट रोल है वो बेहतरीन है। मतलब एनिमल से ताज़ा हो चुका है हमारा बॉबी भाई। वहीं इन्होंने ट्रेलर काटा है, बहुत अच्छा काटा है, लेकिन सिर्फ एक्शन के पर्पज से काटा है। स्टोरी बिल्कुल भी रिवील नहीं की है कि स्टोरी कैसी होने वाली है। बस एक टापू है, क्या उस पर समुद्री लुटेरे हमला करेंगे या कुछ कबीले के लोग आपस में, और अभी हम इसे जज नहीं कर सकते, वो तो मूवी आने के बाद ही पता लगेगा कि माजरा। खैर ये मूवी 10 अक्टूबर को आ रही है, मैं तो एक्साइटेड हो चुका हूँ इसको देख, और मुझे डर है कि ये भी सलार जैसी ना निकल। लेकिन कुछ भी कहो, बॉबी देओल और सूर्या के ट्रेलर में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लग, और ये बजट तो पूरा करेगी ही करेगी, और लोगों में इसका क्रेज़ भी दिखाई दे रहा है। कमेंट में खोलते ही सूर्या फैंस असेंबल हेयर के कमेंट दिखाई दे रहे हैं। खैर वो हर मूवी में दिखाई देते हैं, चाहे वो अजय देवगन की क्यों ना हो। तो आप बताइए, क्या आप गुटखा खा के ये वीडियो देख रहे हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए जी हाँ मैं गुटखा खा के ये वीडियो देख रहा हूँ। ऐसे ही और ट्रेलर रिव्यूज़ के लिए फिल्म मसालों को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत।